दोस्तों पंजाब के खिलाफ अंतिम ओवर में ईशांत शर्मा और डेविड वार्नर जा भिड़े एम्पायर से, बीच मैदान पर देखने के लिए मिली तगड़ी बेईमानी। लेकिन पंजाब की टीम को हराकर कर दिया दिल्ली ने बाहर। तो अब खुद तगड़ा ड्रामा करने के बाद किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा की जानकर सब रह गए हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले ईशांत शर्मा, वो तो आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ईशांत शर्मा को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन अच्छा गेंदबाज है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का 64वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन जड़ डाले। और इस बीच दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 46 तो वहीं पृथ्वी शॉ ने 54 रन की पारी खेली। और जब ये दोनों बल्लेबाज सैम करन की गेंद पर चलते बने तो यहाँ पर राइली रूसो ने पारी को संभाला, जहाँ उन्होंने 37 गेंदों में 82 रन जड़ डाले और 6 चौके 6 छक्के भी इस दौरान लगाए, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स की टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर पाई। और पंजाब के सामने अब जब 214 रन का लक्ष्य था तो पंजाब की टीम पूरी तरह से विफल नजर आई। दरअसल प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन ने जब पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर शिखर धवन तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चलते बने और गोल्डन डक आउट हो जाने के बाद शिखर धवन की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। यहाँ पर अथर्व टाइडे, जो कि मुकाबले को जिताने में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, वो 42 गेंद पर 55 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। तो वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 22 रन बनाए। हालांकि लियाम लिविंगस्टन ऐसे बल्लेबाज रहे जो कि अंत तक लड़े और 48 गेंदों पर 9 छक्के और 5 चौकों की बदौलत उन्होंने 94 रन की पारी खेली। और यहाँ लियाम लिविंगस्टन ईशांत शर्मा की गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए और यही पंजाब किंग्स की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण भी बना, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले को 15 रन से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम ओवर में जब मैच जीतने के लिए पंजाब किंग्स की टीम को 6 गेंद पर 33 रन की जरूरत थी, तब इस ओवर में तगड़े ड्रामे देखने के लिए मिले। दरअसल दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर और ईशांत शर्मा तो एम्पायर से यूं भिड़ गए कि मानो अगले ही पल ये उन पर हाथ छोड़ने वाले हों। क्योंकि दोस्तों हुआ ये था कि जब पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने लियाम लिविंगस्टन को कोई रन नहीं दिया, वहीं दूसरी गेंद पर छक्का पड़ गया, तीसरी पर भी छक्का चला गया और चौथी गेंद यहाँ नो बॉल करार दे दी गई और दोस्तों इस बॉल पर भी छक्का गया। हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि गेंद जो थी वो वेस्ट हाइट के ऊपर मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों अगर पिछले विवादों को देखें तो यहाँ पर एम्पायर ने कई बार पैर मुड़ जाने के बाद गेंद को नो बॉल करार नहीं दिया, लेकिन आज नो बॉल दिए जाने के बाद डेविड वार्नर काफी ज्यादा भड़क गए क्योंकि वो मैच को यहाँ से हार सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब अगली दो गेंद पर एक भी रन नहीं बना तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने वापसी की और अब खुद ईशांत शर्मा ने तगड़ा ड्रामा करने के बाद बड़ा खुलासा किया और उन्होंने खुद इस तगड़े ड्रामे पर कहा कि मैच में अक्सर ऐसी चीजें चलती रहती हैं, हमें हमेशा मैच को सफलतापूर्वक और अच्छे से समाप्त करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज का मुकाबला हमारी टीम के लिए यादगार था क्योंकि हमने मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए, हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अब इस सब चीज का क्या फायदा जब हम आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो बस हमें यही ठानना था कि हम किसी एक टीम का गेम बिगाड़े और आज हमने पंजाब की टीम का गेम आज आईपीएल से समाप्त कर दिया और उन्होंने भी आज काफी गलतियां की। अंतिम ओवर में हमने लड़ाई भी इसलिए की क्योंकि जो गेंद थी वो नो बॉल नहीं थी और जब भी एम्पायर के पास रिव्यू गया है तो उन्होंने खिलाड़ी को तब तक नो बॉल नहीं दिया जब तक कि वो स्ट्रेट खड़ा ना हो। यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन झुक चुके थे लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए नो बॉल दी गई और यही मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर बहसबाजी कर ली। लेकिन ये सब गलत है, हमने आज मैच को अच्छे से खेला, बस यही हमारी तमन्ना थी। तो दोस्तों यहाँ पर ईशांत शर्मा ने तो पूरा होश उड़ा देने वाला खुलासा कर दिया। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हो कि ईशांत शर्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।